फ्रेंड्स नमस्ते। आज मैं आपको सरसों के तेल में खाना पकाने के फायदों के बारे में बताना जा रही हूँ, क्योंकि यूजली लोग क्या सोचते हैं कि सरसों के तेल को स्टेटस से जोड़ लेते हैं, यानी सरसों के तेल में खाना पकाने को लोग अपने स्टेटस से इसलिए जोड़ लेते हैं। वो सोचते हैं कि सरसों के तेल में खाना पकाना सिर्फ डाउन मार्केट है, लॉयर मिडिल क्लास लोग या गरीब लोग ही सरसों के तेल में खाना पकाते हैं, लेकिन शायद उन्हें इनके फ़ायदे नहीं पता। अगर उन्हें इनके फ़ायदे पता होता तो शायद वो ऐसा नहीं सोचते। वो सोचते कि घी और रिफाइंड में बनाना ही हमारी स्टेटस से भी और हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिफोर मैं आपको ये बताऊँ कि सरसों के तेल में खाना पकाने के क्या फ़ायदे हैं, इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हाँ जी फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सरसों के तेल में खाना पकाने के क्या क्या फायदे हैं। सरसों के तेल में अगर आप खाना पकाते हैं तो सबसे पहले सरसों का तेल मैं आपको दिखाई देती हूँ कि सरसों का तेल, अगर सरसों के तेल में अगर आप खाना पकाते हैं तो इसके क्या फायदे हैं। सरसों के तेल में प्रेजेंट होता है मूफा एंड पूफा, मतलब मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स ये गुड फैट्स कहलाते हैं, इनमें कोई मिलावट नहीं होती, एडल्ट्रेशन नहीं होती, ये कोई ट्रांस फैट नहीं है और हमारी बॉडी भी मूफा एंड पूफा से ही बनी हुई है। हमारी बॉडी बनी है सैचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स से, यानी मूफा से, और कुछ अमाउंट में हमारी बॉडी को पूफा भी चाहिए, यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। और ये किसमें प्रेजेंट है फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट है हमारे सरसों के तेल में। हमारे सरसों के तेल में 62% मूफा होता है, यानी मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, वही जिससे हमारी बॉडी बनी है। और इसमें होता है 12% पूफा, यानी ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जिसे हम शॉर्ट में पूफा कहते हैं फ्रेंड्स, इसका ये फायदा है कि ये हमारे दिल को कार्डियक अरेस्ट से यानी हार्ट अटैक से बचाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और जो लो एलडीएल है, लो एलडीएल मतलब लिपिड प्रोटीन, लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन, उसे उसकी मात्रा को बढ़ाने से रोकता है, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल की और गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। ये सरसों का तेल जब हम इसमें खाना पकाते हो तो इससे क्या होता है, इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है। आपने देखा होगा सर्दियों में अगर हमें पैरों में सूजन हो जाए या कहीं बॉडी में खारिश होती तो हम सरसों का तेल, या हमारे दादी अम्मा या माता पिता कहते सरसों का तेल लगा लो। क्यों कहते, क्योंकि इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, यानी माइक्रोब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया या फंगस जिसके कारण हमें बॉडी में खुजली होती है उसे प्रिवेंट करता है और हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। तो ये इतने सारे फायदे हैं फ्रेंड्स, इसलिए हम मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप आज के बाद सरसों के तेल में खाना पकाएं। इसके बहुत सारे फायदे हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर मेरे आज का टॉपिक आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू।